नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट के बारे में, यानी महेंद्र सिंह धोनी तो चले गए संन्यास लेकर, लेकिन अब उनकी जगह टीम इंडिया में कौन लेगा परमानेंट विकेट कीपर के तौर पर। अब ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन ये जो ज्यादा विकल्प भारतीय टीम के पास हमेशा रहे हैं, ये कई बार परेशानी बनकर भी सामने आए हैं। परेशानी कैसे बनते हैं कि हैप्पी हेडेक टीम के कप्तान के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए ये हो जाता है कि अब यहां से किसको खिलाया जाए। अगर आप बीते कुछ समय, यानी वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद भी, मैं बहुत ज्यादा पहले नहीं कह रहा वर्ल्ड कप के, लेकिन वर्ल्ड कप से जस्ट थोड़ा पहले और वर्ल्ड कप के जस्ट बाद देखें, तो चीजें बहुत ड्रामेटिक हिसाब से बदली हैं। अगर आप वर्ल्ड कप से पहले देखें तो ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जा रहा था और ऋषभ पंत को नीली जर्सी में टीम के विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी दी जा रही थी। लेकिन वर्ल्ड कप के ठीक बाद क्या देखने को मिला और वर्ल्ड कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड में क्या देखने को मिला, वो ये कि अब भारतीय टीम जो है वो केएल राहुल पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है और केएल राहुल ने भी न सिर्फ बल्ले से, एज अ कप्तान भी उन्हें मौका दिया गया एक मैच में, और विकेट कीपर के तौर पर भी वो हर जगह पर अपने आप को साबित कर रहे हैं। और न सिर्फ साबित कर रहे हैं बल्कि हर बार ये बता रहे हैं कि मैं इस टीम की इन तीनों भूमिकाओं में खरा उतर सकता हूं। कप्तान की भूमिका पर बात करना तो खैर अभी बहुत ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन कप्तान के अलावा एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, और जब मैं विकेट कीपर बल्लेबाज कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर उसमें विकेट कीपर का रोल भी आता है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का रोल भी आता है। लेकिन जहां आप केएल राहुल की बात करते हैं, वहां पर फिर आप ये भी सोचते हैं कि उनकी तरह फिनिश कौन करेगा, क्योंकि केएल राहुल क्या उस तरह से फिनिश कर पाएंगे जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, क्योंकि केएल राहुल को भी वो बड़ी हिट्स लगाते हुए नहीं देखा गया है। हालांकि वो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है और जब वो अपनी फुल फॉर्म में होते हैं तो आपने देखा है कि अच्छे अच्छे छक्के चौके सब लगाते हैं। मैनचेस्टर का मैच याद आता है मुझे 2018 में T20 जब उन्होंने शतक लगाया था, और इसके साथ साथ मुझे अमेरिका में USA में जब उन्होंने शतक लगाया था वेस्टइंडीज के अगेंस्ट, वो भी याद आता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सवाल ऋषभ पंत को लेकर भी है, क्योंकि ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए अगर आप क्रिकेट की बात करें। और इसके साथ साथ जो दो अलग चीजें सामने निकल कर आती हैं वो ये कि इन दोनों ऑप्शंस के बीच एक ऑप्शन संजू सैमसन का निकल कर भी आता है। क्या संजू सैमसन को वो जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि दीपदास गुप्ता हो या इसके अलावा नायन मोंगिया हो या इसके अलावा MSK प्रसाद भी हो, जो कि पूर्व चेयरमैन सिलेक्शन रह चुके, कमेटी को हेड कर चुके हैं और उसके अलावा विकेट कीपर भी रहे हैं भारत के पूर्व में, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं खेले लेकिन क्योंकि चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी रहे थे तो उनका नाम बहुत रहा। उनका यही कहना है, इन तीनों का अप्रॉक्सीमेटली यही कहना है कि सबसे जो बेटर चांसेस इस वक्त पर महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर है वो केएल राहुल के हैं। दूसरे नंबर पर नाम ऋषभ पंत का आता है, तीसरे नंबर पर नाम संजू सैमसन का आता है। अब आप लोगों को क्या लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि इन तीनों में से कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिसको आप देखना चाहते हैं कि आने वाली सीरीज में जब भी भारतीय टीम अपना कैंपेन शुरू करे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें IPL पे फिर डिपेंड करेंगी, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बल्ले से इन तीनों में जो ये रेस जीतेगा उसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत होने वाला है, फिर चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो KL राहुल हो या फिर ऋषभ पंत हो। अपनी चॉइस जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।